प्रणाम गुरुवर। आपकी आज्ञा अनुसार मैं भिक्षा मांगला है। तुम स्वयं भिक्षा मांग लाए हो, अर्थात तुम्हारा स्वाभिमान अब तुम्हारी साधना में कभी बाधा नहीं डालेगा। कारण मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी आंखों में एक नहीं अनगिनत प्रश्न है। सत्य कहा आपने गुरुवर, पर मैं ये जानता हूं मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे यदि एक प्रश्न हल हो गया। कौन सा प्रश्न? क्या आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया? मैं इतना विश्वास है मुझ में? मुझे बाहरी ज्ञान पर विश्वास नहीं। वेद पुराण मैंने पढ़े, पर वो ज्ञान किसी और का, स्वयं की अनुभूति नहीं। और उसे जानकर भी मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं, अर्थात वो ज्ञान मेरे लिए अपूर्ण है। जो शक्ति मनुष्य के भीतर है मुझे उसका अनुभव करना है, और वो केवल ध्यान मार्ग से ही संभव है। और ध्यान से समाधि योग तक का मार्ग आपके चरणों से गुजरता है। आपका मार्गदर्शन मेरे प्रश्नों के उत्तर बनेंगे। विचारशील है, तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हें समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग दर्शाएगी। पहले भोजन कर लो, फिर बात करेंगे। आप प्रयत्न कीजिए। जब से हम युवराज को छोड़कर आए हैं तब से ना तो इसने घास का एक तिनका खाया है, ना ही पानी की एक बूंद पी। यदि ये कुछ नहीं खाएगा पिएगा तो इसकी जान। वैद्य जी को बुलाओ चन्ना। बुलावा भेजा, आते ही होंगे वो। तुम्हारी तरह मुझे भी कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता, पर मां कहती है जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। लो। क्षमा करना मित्र, मैं तुम्हें घास खिलाना भूल गया। ध्यान का समय हो चुका वत्स। जी अभी आए। गुरुवर, क्या मैं इस अश्व को कंठक करके बुला सकता हूं? तुम तो रिश्ते नाते तोड़ के आए हो, ना इस संबंध बना रहे हो। इस अश्व को देखकर मुझे मेरे कंठक की याद आ गई। इन्हीं स्मृतियों से मुक्ति पाने का नाम ध्यान। कंठक, थोड़ा तो पानी पी लो। देखो मेरे हाथों से नहीं पियोगे तो युवराज जहां भी होंगे गुस्सा हो जाएंगे। ले, पानी पी ले कंठक।
क्षमा करें, कंथक अब जी ना सकेगा। वो भी एक जीवी है, अन्न और जल त्यागे कोई कितने दिन जी सकता है। कंथक, 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 क्या हुआ कंथक, कुछ बोल। मैं युवराज से क्या कहूंगा। इसने पशु होकर सिद्धार्थ के स्नेह को पहचान लिया, परंतु हम उसके मूल्य को नहीं पहचान सके। वियोग में इसके प्राण चले गए, परंतु मैं अब भी जीवित हूं। स्वयं को संभालिए भाई महाराज। क्षमा करें महाराज, पर कपिलवस्तु के प्रजाजनों का एक निवेदन है आपसे कि आप शीघ्र युवराज को ढूंढ कर लाइए। महाराज, युवराज को ढूंढ कर लाइए। इतनी पीड़ा युद्ध से ना हुई महाराज, जितनी युवराज के जाने से हुई। ऐसा लगता है जैसे सारे कपिलवस्तु के प्राण ही चले गए। महल से शहर तक सारी प्रजा अचेतन हो गई है। यूं लग रहा है कि जैसे रात से पुण्य चला गया हो महाराज, पुण्य चला गया हो। या आप सबको वचन देता हूं, शीघ्र ति शीघ्र मैं युवराज को वापस ले आऊंगा। अब बहुत देर तक ये अंधेरा नहीं रहेगा कपिलवस्तु में। जीवन को इतना गंभीर न बनाओ वत्स कि जीवन बोझ लगने लगे। कल पूरी रात सर्दी में तुम ठिठुरते रहे, शिष्यों की कुटिया में क्यों नहीं गए? कैसे सोता गुरुवर, अभी तक आपने मुझे अपना शिष्य नहीं बनाया। जब भी शिष्य बनाने की बात होती है आप मुस्कुराकर टाल देते हो। शिष्य अपना गुरु स्वयं चुनता है, गुरु तो केवल संकेत पढ़ता है कि जो व्यक्ति सामने है उसमें
उसमें शिष्य बनने की योग्यता है या नहीं। तुम जब से यहां आए हो मैं तुम्हारे लक्षण देख रहा हूं, तुम्हें परख रहा हूं। आप मुझे जितना चाहे परख ले, आप मुझे जिस कसौटी पर उतारेंगे मैं उतरूंगा, बस आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ज्ञान की खोज में इतने प्यासे आए यहां, लेकिन जो तीव्रता तुम्हारी प्यास में है किसी में नहीं देखी। तुम में वो सब गुण हैं जो एक गुरु अपने शिष्य में खोजता है। तुम्हें दया है, सरलता है और अपनी बात मनवाने का हट भी। तो क्या गुरुदेव, एक प्रश्न पूछूं? पूछो बस। गुरुदेव, मैं अपने मुंह से अपनी क्या प्रशंसा करूं? मैंने कई गुरुओं से ज्ञान की प्राप्ति की, चारों वेद उपनिषद मुझे कंठस्थ हैं, परंतु फिर भी आपने मुझे अपना शिष्य बनाने में पूरा एक मास ले लिया, और इस सिद्धार्थ को मात्र 2 दिन में ही आपने अपना शिष्य बना लिया। सच्चा ज्ञान वो होता है जैसे सागर में नमक घुल जाए, फिर नमक का अस्तित्व कहां रहता है? यदि मैं इस पात्र के पानी में थोड़ी सी रेत मिला दूं तो योग के संदर्भ में तुम इसे क्या कहोगे? गुरुदेव, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। रेत जैसे ही नीचे बैठेगी जल स्वच्छ हो जाएगा और जल पीने योग्य हो जाएगा। मेरा प्रश्न योग के संदर्भ में है। सिद्धार्थ जी। गुरुदेव, क्या तुम इस भेद को समझा सकते हो? जी गुरुदेव, ये रेत के कण काम, क्रोध, मद और लोभ के प्रतीक हैं। जब ये चित्त से दूर जाते हैं तो निर्मल जल रूपी ध्यान प्राप्त होता है। चंद्रपद, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैंने सिद्धार्थ को 2 ही दिन में अपना शिष्य क्यों बना लिया? सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति 2 सत्य हैं। पुरुष चेतना है और प्रकृति स्थूल तत्व। पुरुष और प्रकृति कामनावश जब एक दूसरे से बंध जाते हैं जैसे 2 सांप, तो जीव का जन्म होता है जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। किंतु ज्ञात रहे, कामना से मुक्ति ही मोक्ष। गुरुवर, सांख्य योग क्या है? मेरी उसमें रुचि है। मेरी तो दोनों में ही रुचि है, सांख्य योग और सांख्य दर्शन। दोनों में अंतर तो वैसे भी शब्दों का ही है। नहीं बस,
इनमें बहुत बड़ा भेद है। ये इतनी गहरी खाई है कि पार्टी नहीं जा सकती। जो सिद्धार्थ पूछ रहे हैं वो सांख्य योग है, मोक्ष की अनुभूति है। जो तुम पूछ रहे हो वो सांख्य दर्शन है, जो बुद्धि से संबंध रखती है। मार्ग को समझना और मार्ग पर चलना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मन में उठी कामनाएं ही सारी सृष्टि का निर्माण करती है, विचारों का निर्माण करती है। विचार और कामनाओं को जन्म देते हैं और ये खेल कभी समाप्त नहीं होता। गुरुवर, तो मन पर वश कैसे पा सकते? अपनी सांसों पर नियंत्रण करके। सांख्य योग में सांसों के आवागमन पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। पूरे दिन हम एक ही नासिका छिद्र से सांस लेते हैं, परंतु हर घंटे ये क्रिया बदलती रहती है। जब हम बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो उसे इड़ा नाड़ी या सूर्य नाड़ी कहते हैं, और जब हम दाईं नासिका छिद्र से सांस लेते हैं तो उसे पिंगला नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये सूक्ष्म नाड़ियां हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित हैं। इनमें एक ताल मेल बैठा के हमें सुषुम्ना को जगाना है। लगता है ज्वर उतर रहा। तुम पर सबका दायित्व पड़ रहा है, मेरा, यशोधरा का, राहुल का। जब ज्वर हो तो अधिक बातें नहीं करते। सोचा था और क्या हो गया सिद्धार्थ, ऐसे चला गया। प्रश्न ये नहीं कि ऐसे चला गया, प्रश्न ये है कि कैसे चला गया। अच्छा दर्पणी, ये अनर्थ कैसे हो गया महाराज? सिद्धार्थ को इतना भी विवेक न था कि वो किसी का पति है, किसी का पिता है और किसी का पुत्र भी। वही तो मैं पूछ रहा हूँ महाराज, आपने सिद्धार्थ को जाने कैसे दिया? उसे रोका क्यों नहीं? अपने दायित्व का वास्ता क्यों नहीं दिया? कुछ तो कहिए महाराज। आपके प्रश्नों का आवेग शांत हो जाए तो ही मैं उत्तर दे सकता हूँ। सिद्धार्थ आधी रात को चला गया था और हमें पता तक नहीं चला। ये उत्तर पाने के लिए हम इतने कष्ट में रातों रात देवदा से यहाँ आए हैं। अब भैया को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? क्योंकि जिसका दोष है महाराज का उसके प्रति क्रोध और आवेश दिखाई नहीं दिया। अब आप ही बताइए कि मेरी पुत्री का क्या होगा? वो अपने जीवन का लंबा रास्ता किसके सहारे व्यतीत करेगी? मेरे नाती राहुल का क्या होगा महाराज? यदि पता होता कि ऐसे दुर्दिन देखने पड़ेंगे तो मैं अपनी पुत्री यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ से कभी होने ही नहीं देता। भैया,
किसी बात कहने से पहले महाराज की अवस्था तो देखिए, पुत्र वियोग में एक लाचार पिता दिखाई नहीं देता आपको। ओ, लो अब हमें ही अपराधी बनाया जा रहा। नहीं भैया, आप लोग आए, हमें लगा हमारे दुख में सहयोगी होने आए, किंतु आप तो आरोप प्रतिरोप करने आए, ये देखते हुए भी कि हम इतनी यातना और पीड़ा में हैं। आप प्रजापति, तुम्हारे भैया का आक्रोश उचित है। मुझे यथार्थ में पता नहीं था कि सिद्धार्थ इतना बड़ा निर्णय ले चुका है। आपके दोष सर्वाधिक पर, सच सच में उसे रोक नहीं सका, मैं उसे रोक नहीं सका। भैया आप मन छोटा ना करें, आप कर भी क्या सकते थे। क्या कहना, वहां देवदा में हमारी छाती पर सिर रख कर रो रही थी तुम अमिता, और यहाँ आते ही अपने भाई के प्रति सहानुभूति जाग गई। हम कोई अलग नहीं दंड पाने, आपका भी सिद्धार्थ पर उतना ही अधिकार है, हमारे दुख के सहभागी हैं आप। मैं यहाँ कोई शोक प्रकट करने नहीं आया महाराज, मैं अपनी पुत्री यशोधरा को यहाँ से ले जाने आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि यशो का भविष्य यहाँ पर सुरक्षित है। भैया आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। शांत हो जाओ, जिन्हें हम पर विश्वास नहीं पुत्री के पिता है। राजा दंडपाणि, यशोधरा पे ना आप दबाव डालेंगे ना हम। देवदास जाना न जाना इस बात का निर्णय केवल और केवल यशोधरा ही करेगी। खाने में जो था सो आपको दे दिया है। आपका पूरा परिवार इतने चावल पर कैसे निर्वाह कर लेता है। पाली, गुरुदेव, तुम्हारी अशांति का कारण? गुरुदेव, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, मन व्याकुल है, मैं गहरी पीड़ा अनुभव कर रहा हूं, क्या मुझे पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होगी? देखा वो पत्थर कैसे पानी से उछलता हुआ चला गया। देखो वत्स, पहले पहल जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो भूत भविष्य वर्तमान के विचार चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो बादल देख रहे हो, वो भी इन विचारों की तरह नए नए रूप लेके विचरते हैं, फिर भी आकाश अनछुआ रहता है। जब पूर्ण ध्यान लगाना हो तो तुम्हें आकाश की तरह होना चाहिए। विचार आएंगे, काल की तरह तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगे, पर तुम्हारा मन
सांसों के आवागमन पर केंद्रित रहना चाहिए। फिर एक समय आएगा जब तुम्हें शून्य का अनुभव होगा, तब तुम्हारी सारी पीड़ाएं, सारे दुख, सारे संताप ऐसे उड़ जाएंगे जैसे वो बादल। फिर केवल एक गहरी शांति का अनुभव होगा, जैसे वो नीला आकाश। मुझे तो मां, वो मेरे सिवा किसी और के पास नहीं रहता। इतने छोटे बच्चे को कितनी जल्दी अपने माता पिता से इतना मोह हो जाता है, और इसके स्वार्थी पिता को इससे तनिक भी मोह ना हुआ। पिताजी, यशो पुत्र, तुझे हम यहां से देवदा ले जाने आए हैं। सिद्धार्थ के जाने के बाद वैसे भी यहां बचा ही क्या? जिसका पति उसकी रक्षा ना कर सका हो, उस अपला नारी का उसके माता पिता के सिवा और कौन सहारा? मेरा ध्यान देवदा से अधिक यहां रखा जा रहा है। मेरी सास का मेरे प्रति इतना स्नेह है कि आज तक मुझे मेरी माँ का अभाव ना लगा। महाराज मेरी हर बात मानते हैं। यहां मैंने कुछ बोला और वो तुरंत हो जाता है। परंतु तेरे पति के जाने के बाद ये दांते बंधन सब टूट ही गए ना? ये आप क्या कह रहे हैं? विवाह का बंधन तो 7 जन्मों का होता है पिताजी, वो ऐसे कैसे टूट सकता है? मैंने सिद्धार्थ को वचन दिया था कि मैं उनके परिवार का उतना ही ध्यान रखूंगी जितना वो रखते थे। मैं राहुल को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, और आप मुझे मेरे वचन से पलटने को कह रहे हैं? जिस पति ने पलायन किया, वो पलायन करके नहीं गए, मेरी अनुमति लेकर गए हैं, और वो अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर अवश्य लौटेंगे। मति मारी गई है तेरी। पिंजरे से छूटा पंछी आकाश में उड़ने के पश्चात उसी पिंजरे में बंदी बनने आया है क्या कभी? पंछी और मनुष्य में यही अंतर होता है, वो लौटेंगे। समझाओ इसे अमिता, कुछ समझाओ। मैं तेरा पिता, तेरा शुभचिंतक होने के नाते तुझसे कह रहा हूं कि तुम हमारे साथ देवदा चल। अपने प्राणों से अधिक प्रेम करने वाली आपकी पुत्री आपसे विनती कर रही है कि मुझे मेरे घर से दूर ना करे। तुझे इसी समय हमारे साथ देवदा चलना होगा, ये मेरी आज्ञा है। क्षमा करें, मुझे मेरे ससुर महाराज ने ये अधिकार दिया है कि मैं ये निर्णय स्वयं ले सकूं। मैं कपिल वस्तु में ही रहूंगी और यही मेरा अंतिम निर्णय है। प्रणाम गुरुदेव। सिद्धार्थ कहाँ है? गुरुदेव वो ध्यान में है, मैंने उन्हें उठाना उचित नहीं समझा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ के मन में बड़ी तड़प है, ऐसा प्रतीत होता है। ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए
अपने समस्त भौतिक सुख चैन छोड़कर आया है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं अपने मुंह से अपने क्या प्रशंसा करूं, परंतु सिद्धार्थ से बड़ा त्यागी मैं हूं। मैं तो ऐसे ऐसे सुख चैन छोड़कर यहां आया हूं कि आप चकित रह जाएंगे गुरुदेव। अंगदेश के सबसे बड़े व्यापारी का पुत्र हूं मैं, और वो है सिद्धार्थ गौतम। वो सिद्धार्थ गौतम जिसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत को बिना शस्त्र उठाए पराजित किया था, शुद्धोधन राजा के पुत्र, शाक्य देश के भावी महाराज युवराज सिद्धार्थ गौतम। अब कहिए, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्रता किसमें अधिक है? रिक्षाटन का समय हो गया, प्रस्थान करो। सचमुच विश्वास नहीं होता, इतने बड़े राजा का पुत्र भिक्षु। अरे और तो और उनके व्यवहार में अभिमान की बू तक नहीं है। तो ये हैं सिद्धार्थ गौतम, इनके बारे में असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी। सिद्धार्थ जिनके बारे में कहा गया है कि वो मनुष्यों को दुख और पीड़ा के मार्ग से सुख शांति के मार्ग पर ले जाएंगे, वो सिद्धार्थ युग पुरुष कहलाएंगे। उन्होंने मुझे अपना गुरु स्वीकार किया। मैं नहीं जानता मैं इस योग्य हूं भी कि नहीं। कैसे आनंद से ध्यान में मग्न बैठे हैं युवराज, मुझे इनका सेवक बना दिया गया है। इसके लिए भिक्षा मांगू मैं, गुरु का चहेता बनाइए। क्षमा करें मित्र, तुम्हें भिक्षा देकर जा रहा था कि मेरा भिक्षा पात्र बिखर गया। ऐसा भाग्य पाया है मैंने, तुम्हारा ध्यान भंग ना हो इसलिए घर घर जाकर कड़ी धूप में मैं भिक्षा लेकर आया तुम्हारे और अपने लिए। पांव में छाले भी पड़ गए और देखो मेरी भिक्षा धूल में मिल गई। चंद्रप्रात, ये भिक्षा आप ग्रहण करें, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। आप बिना देखे कैसे जान लेते कि मैं गुरु और माता में कोई अंतर नहीं होता बस। माता जरा सी आहट से अपने बच्चे को पहचान लेती है। लो ये पियो,
ये सात्विक आहार से मन को शांति मिलती है। आपकी करुणा का पात्र हूं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, परंतु आपसे एक विनती। कहो। जब भिक्षा मांगने का समय हो तो आप मुझे ध्यान से उठा दिया करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी और को कष्ट हो। किसको कष्ट हुआ? ज्ञात रहे सिद्धार्थ, यहां प्राथमिकता ध्यान को दी जाती है, भिक्षा को नहीं। गुरु हूं मैं तुम्हारा, भली भांति जानता हूं कि कौन ध्यान के योग्य है और कौन भिक्षा के। संकोच न करो और बताओ कि तुम ध्यान की अनुभूति में कहां तक पहुंचे। गुरुवर, पहले पहले तो ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, और फिर समय का ज्ञान धीरे धीरे जाता रहा। अति शुभ लक्षण। और फिर शून्य अवकाश की अनुभूति हुई, और जैसे ही मेरा ध्यान टूटा मुझे पीड़ा ने आ घेर लिया, और फिर मेरा मन व्याकुल होने लगा। मन के विचलित होने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इसके आगे अनंत के शून्य आकाश की अनुभूति करनी है। जो भौतिक है वो मन का बुना जाल है, जैसे उस दिन पात्र के पानी में धूल के कण। तुम्हें स्थिर नहीं होना। मन के और भीतर जाओगे तो पाओगे वहां कुछ भी नहीं, पूर्ण शून्य, पूर्ण शून्य। अपना दीप जलाओ, अडिग रहो, मन डोले तो तुम नहीं डोले। यशस्वी भवा। महाराज, हमें यशोधर और सिद्धार्थ के दाम्पत्य जीवन के बारे में गंभीरता से कुछ सोचना चाहिए। यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो बहुत देर हो जाएगी। महाराज अस्वस्थ थे परंतु अब ठीक हैं। महाराज, हमारी आयु और अनुभव सिद्धार्थ से अधिक है। हमें शीघ्र ही वन जाकर सिद्धार्थ को खोजना चाहिए और उसे समझा बुझाकर तुरंत कपिल वस्तु वापस लाना चाहिए। युवावस्था में ऐसी भूल हो जाती है। नहीं भैया, ये युवावस्था की भूल नहीं, सिद्धार्थ की मनोस्थिति का आपको कोई भी ज्ञान नहीं। बचपन से उसे सारे दुखों से, वेदनाओं से दूर रखा, पर अचानक जीवन का कठोर सत्य एकाएक उसके सामने आ गया, और उसका कोमल मन इतना गहरा आघात सह न सका। दिन रात वो इस पीड़ा की अग्नि में जलता रहा। उसने ये निश्चय सोचकर किया। सत्य कहा मां देवी ने महाराज, सिद्धार्थ को इस मानसिक स्थिति में यहां लाएंगे तो वो पागल हो जाएगा। पर कहीं उसने आत्महत्या कर ली तो? ईश्वर करे ऐसा ना हो। यही भय मुझे सिद्धार्थ को वापस लाने के लिए रोक रहा है। मैं उसे विवश करके वापस ले आऊं और वो कहीं कुछ करने बैठे। नहीं महाराज, ऐसा ना कहे। नहीं प्रजा, सिद्धार्थ को कुछ नहीं होगा। मेरी बस यही विनती है महाराज कि हम सिद्धार्थ को ढूंढ लें, उसे बस एक बार समझा लें। हो सकता है कि उसके मन का क्लेश अब तक शांत हो चुका हो और वो स्वयं वापस लौटना चाहता हो। ठीक है, प्रयत्न करना हमारे पास में है, परंतु उस प्रयत्न का फल हमारे मन अनुसार हो इसकी कामना हम नहीं कर सकते। सिद्धार्थ को लाने में
स्वयं जाऊंगा। परंतु भाई महाराज, इतने तीव्र ज्वर में आप न जाएं तो ही अच्छा होगा। हाँ महाराज, अनुज ठीक कह रहे हैं। अनुज, तुम अपने साथ महामंत्री को भी ले जाओ और सिद्धार्थ से थोड़ा संभल कर बात कर। मैं पूर्ण चेष्टा करूंगा भाई महाराज। महाराज, आप मुझे भी साथ जाने की अनुमति दें। मैं भी सिद्धार्थ को समझाने का प्रयत्न करूंगा। तुम्हारा बंधु प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हुआ देवदत्त। अवश्य, तुम भी अवश्य जा। परंतु एक बात का ध्यान रखना, सिद्धार्थ पर किसी भी प्रकार का दबाव न डाला जाए। निश्चिंत रहिए महाराज, मेरे रहते सिद्धार्थ पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।